हाय गाइस, तो अभी हम लोग फौजी दी के घर आए, यानी कि फौजी दी के ससुराल। और फौजी दी यहाँ पे बैठी हुई हैं यहाँ पे। और फौजी दी, आप क्या कहना चाहते हैं? मम्मा जी, आप सम्मान नहीं किए थे ससुर का? स्टार्ट हो गया है। आप क्यों लटकी रहते हैं दी? हेलो, मैं छोटू और निशांत कुमार भ्राता। अभी ये देखिए मेरे बहन को क्या मिला है, गोल्ड लगाई में, आप देख सकते हैं। और हमको हमको क्या मिला वो दिखाओ ना, ज्वेलरी। और ये सिस्टर एक था, ये हमको मिला, अमर बाप पे आरती उतार देता। हाँ ठीक है। और ये सब देख लीजिए, फटाफट एक नजर मार लीजिए आप लोग। हो गया। और क्या मिला है? एक भैया दिए अंगूठी, वो दिखा। एक ही कोई मौसी जी थी, अब ये नहीं पता कौन दिया है, लेकिन एक ये था। नहीं सब जो होता है, प्यारा लग रहा, तुम्हें प्यारा लगा होगा। हाँ, छोटा सा कम बोल इसको, मम्मी बोला है, सब बोली है कि इसको टाइट करने वाला भी अंगूठी है, पता है कि नहीं ये? हाँ हाँ, कल देखी थी, बोली थी ये मेरे पास ही दे। मैं तो थक गया हूँ यार। मम्मी रख ली, बढ़िया बात है। दीदी पागल हो गई है, दीदी सोच रही है इतना सारा कैसे खाए। तो ये कह रहे क्या मार है, रुको। परी कह रही है हम भी पीछे से। परी बोली हमको घर दे दीजिएगा, घर ले दीजिएगा। तुमको तुमको समझ में आया? हम तो आपके पास इसीलिए सुनाई दे रहा है। समझ में आया क्या बोल? यहाँ पे छोटू जो मेरा भाई है, एकता जो मेरी बहन है, और परी जो मेरी कज़न सिस्टर है, तीनों लोग फर्स्ट टाइम मेरी शादी के बाद मेरे घर आए थे। क्योंकि घर बहुत बिखरा हुआ था, तो मैंने एकता और परी से बोला कि अभी इस बात को फोकस नहीं करते हैं कि मेरा घर बहुत बिखरा हुआ है। क्योंकि मैं पहली बार, इवन मैं भी मॉर्निंग के टाइम पे घर पहुंची थी, और एकता लोग इवनिंग के टाइम पे वहां पे आई थी मुझे देखने के लिए कि सब चीज़ें सही हैं या नहीं है। और कुछ सामान मेरा छूट गया था घर में, तो एकता वो देने भी आई थी यहाँ पर। और फिर हमने बहुत सारी बातें किया, फिर एकता ने देखा दीदी को क्या मिला क्या नहीं मिला। और फिर छोटू ने फर्स्ट टाइम मुझे बोला कि ससुराल में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, कोई दिक्कत होगा तो मुझे फ़ोन करना, और कोई बात होगा तो मुझसे डिस्कस करना, कभी मेरे से झूठ मत बोलना। ये सारी चीज़ें भाई बहन के बीच में हमने डिस्कस किया। और मैं यहाँ पे संदीप को दिखा रही थी मेकअप वाली, जिसने मेरा मेकअप पूरा ख़राब कर दिया था। इवन मैंने उसको पटना से बुलाया था, मुझे लगा था कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद कुछ ढंग का मुझे मेकअप करके देगी, बट अनफॉर्चुनेटली उसने इतना वाहियात सा मेरा मेकअप किया, इतना वाहियात सा मेकअप किया कि मैं ऑन कैमरे आपको बता नहीं सकती हूँ। अब पिपनी जाते के साथ तेलिया पहुँचे, पिपनी निकल गया। दीदी तभी इतने गुस्से में थी ना, जैसे जैसे पिपनी निकला था वैसे वैसे कह रही थी उसका हम ये कर देंगे, पार्लर में बंद करवा देंगे, गाली रिव्यू सबसे गलत गलत दिलवा देंगे। ये हम सुने हैं, कॉल पे ही थे हम, और सुबह मॉर्निंग में हम 10 आदमी से गलत रिव्यू डलवाएंगे, ये करें। आधा नींद में थे हम, आधा सुन रहे थे। मेरी मम्मी फोन कर रहे हो, फोन कर दी गई। फोटो पे नहीं जाना चाहिए मेरी छोटी माँ जी। हम क्या बोल रहे थे, डिनर एक्सटेंशन हम कहाँ से करवाई है, मेरे पार्लर में कम में ही हो जाता है। मेरे जहाँ से करवाए ना, वो वारंटी दिया है अगर इसके पहले हो जाएगा तो फ्री में करवा देंगे। देखो कितना सुंदर से की है इसका, हम भी सोचे कि कर देगी तो क्या ही दिक्कत है। ये एक्सटेंशन इसीलिए तो उसमें बोल रहे थे हम गाड़ी पर, इसमें कैसे मिल रहा था। नहीं मम्मी बोले कि सिंदूर कर दीजिए, अब इसके नाखून से वो सिंदूर उठ ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो फिर अरे किसी तरह की बेचारी मेरी बड़ी मम्मी की कहानी, जब कोई भीद हो रहा था ना, घिरा रही थी वो कुछ पड़ा था, बाद में उठाना। सुनिए ना, जब मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी इसका वीद हो रहा था, तो
तो जब इसका नाखून काट लियो, आज काट लियो, पंडित जी भी काट लिया, डेली बोलती थी इसको। मम्मी को पता ही नहीं आधा आदमी को किसका नकली नाखून है। कितना दिन के बाद निकल जाता है? एक महीना। मतलब एक महीना तक कंपनी चलना पड़ेगा। निकलेगा क्या? ओरिजिनल नहीं है मेरा, ओरिजिनल तो मेरा नक्का ओरिजिनल है। हम सोचे थे हम भी करा लेंगे। इसका करवाना कंपलसन था। तुमको होश था, करा लेगी। काम करते करते इसको होश नहीं है। लेकिन अगर करवाते भी तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं था। तुमको झोला झंझट इतना उठाना पड़ता है। दीदी ग्लास लेके जा रही है, लेकिन दीदी कह रहे हैं मैं लेके चला जाऊंगा। परी तुमको आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ। तुम क्लियर बोलो तो। दीदी अभी ग्लास लेके जा रही थी तो जीजू बोले रहने दो मैं लेकर चला जाऊंगा। तब दीदी बोलती है नहीं हम लेके जाएंगे। और छोटो भैया बोल रहे हैं कि मेरा पेट भर गया है, हमको अभी खाने का मन नहीं है। और एकता दी बोल रही है कि नहीं सेब तो हम खाएंगे, तुमको कुछ और खाना है तो बोलो। सब आशा में रखी हूँ सब्जी खाएंगे, सब्जी खट्टा हो गया तो अभी बनाना कुछ नहीं है। एकता दी कहना चाह रही है, एकता दी कहना चाह रही है कि सब्जी सब खट्टा हो गया, जो खाना यहीं से खा के चलो ना। एकता दी आप कहना चाह रहे हैं कि सब्जी खट्टा हो गया, जो खाना यहीं से खा के चलो, और हो सके तो घर के लिए भी पैक करा लो। हाँ एकता दी दीदी लगता है थक गई है। जो नहीं खाना उसको साइड कर दो, तुम खाओ। और जीजू आ गए, खा परी लो तो भाषण कम दो। एक तो बहुत दिन बाद रोटी का इसको उम्मीद था, पूरी मिल गया है, कोई बात नहीं खा लो। तीनों एक ही बैठ गए। हाँ।